नमस्ते दोस्तों, इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल में मैं डॉक्टर अमोल आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक जो है वो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर के लिए, या आप अगर आप अपना रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू, तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि लिटरेचर रिव्यू कहाँ से ले, उसके सोर्सेज कहाँ ढूंढे, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू कहाँ से आपको ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो सोर्सेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू का जो है वो गूगल स्कॉलर है। आप गूगल स्कॉलर के ऊपर जाके आप आर्टिकल, थीसिस, बुक, कॉन्फ्रेंस पेपर जो है वो आप इस जगह पे जाके आपको फ्रीली अवेलेबल हो सकते हैं। ये यूजर फ्रेंडली है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। आप एडवांस ऑप्शंस का सर्च करके भी आप बहुत सारे आर्टिकल सर्च कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डाटाबेस जो है वो एरिक है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल साइंसेस के थ्रू चलाया जाता है। तो इसमें आपको बहुत सारे रिसोर्सेस मिल सकते हैं। इसमें आप पीयर रिव्यूड सर्च कर सकते हैं, फुल टेक्स्ट या पीडीएफ जो है वो आपको इस जगह पे मिल सकते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल साइंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के थ्रू ये चलाया जाता है और इसमें मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स आप ले सकते हैं। फिलीपाइंस ई जर्नल, जो कि फिलीपाइंस कंट्री का एक ई जर्नल्स के डाटाबेस बहुत बड़ा डाटाबेस है, जिसमें रिसर्च स्कॉलर और स्टूडेंट्स के लिए आपको स्कॉलरली आर्टिकल्स मिल सकते हैं। फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स जो है वो आपको इस जगह पे फ्रीली अवेलेबल मिल सकते हैं। उसके बाद रिसर्च गेट, जो कि बहुत ही सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड साइट्स में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ऐसा रिसर्च गेट जो है वो डाटाबेस है, जिसमें हर एक रिसर्चर ने अपना अकाउंट ओपन करना है, बहुत ही ज़्यादा उसके लिए उनके रिसर्च के लिए यूजफुल हो सकता है। तो इसमें आप पेपर्स हैं डाउनलोड कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप रिसर्च रिलेटेड उनको पूछ सकते हैं जिसके आपको आंसर मिल सकते हैं। आप बहुत सारे वर्ल्ड के ऑथर्स के साथ कोलेबरेट भी अपने रिसर्च को कर सकते हैं। प्रोक्वेस्ट नाम का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डाटाबेस है, जिसके थ्रू आप स्कॉलरली जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, डिजर्टेशंस, ई बुक्स जो है वो आपको इस जगह पे मिल सकते हैं। एकेडमी एजुकेशन, जो कि मैंने रिसर्च गेट जैसे बताया वैसे ही सोशल नेटवर्किंग रिलेटेड आप एकेडमी यहाँ पे ऊपर जाके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जिसके थ्रू आप रिसर्च पेपर्स, नेटवर्किंग विद पीयर जो कि रिसर्चर्स का एक नेटवर्क है, एक्सप्लोर स्कॉलरली आर्टिकल्स आप इस जगह पे कर सकते हैं। 55 मिलियन पीडीएफ इस जगह पे आपको फ्रीली अवेलेबल मिल सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रिसर्चर्स के लिए। साइंस डायरेक्ट जो एल्सवेयर के थ्रू चलाया जाता है, जिसके थ्रू आप रिसर्च आर्टिकल, जर्नल्स, ई बुक्स एंड रेफरेंसेस को आप इस जगह से मतलब सर्च कर सकते हैं या जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पबमेड जो है वो जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड सोर्स है, जिसके थ्रू आप ये फ्री सर्च इंजन है, जिसके थ्रू लाइफ साइंस एंड बायोमेडिकल टॉपिक्स को आप इस जगह पे सर्च कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप रेफरेंसेस ले सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आपको इस जगह पे मिल सकते हैं। जेस्टोर नाम का एक डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आप जर्नल्स, बुक और प्राइमरी सोर्सेस जो कि है वो अलग अलग डिसिप्लिन के इस जगह पे आपको फ्रीली अवेलेबल मिल सकते हैं। IEEE जो कि इंजीनियरिंग फील्ड के लिए, IIT बच्चों के लिए, ये जो कि रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इसमें आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन, एडवांसमेंट्स कौन कौन से आए, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या चल रही है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और रिसर्चर डेवलपमेंट रिलेटेड बहुत सारे टेक्नोलॉजिक टॉपिक के ऊपर आपको इस जगह पे डाटाबेस मिल सकता है और करंट नॉलेज इस जगह पे बहुत अच्छा मिलता है। स्प्रिंगर जो है वो कि ग्लोबल पब्लिशर है, जिसके थ्रू आप एकेडमिक जर्नल, बुक्स, रेफरेंसेस, वर्क जो है वो इस जगह पे अलग अलग फील्ड का आपको इस जगह पे अवेलेबल मिल सकता है, जिसमें कि ये विली ऑनलाइन लाइब्रेरी ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ऐसा डाटाबेस, जिसके थ्रू एकेडमिक जर्नल्स, बुक, रेफरेंस, वर्क्स आपको इस जगह पे मिल सकते हैं। अप टू डेट और लेटेस्ट रिसर्च डेवलपमेंट आपको इस जगह पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता हुआ दिखाई देता है। प्रोजेक्ट म्यूज नाम का एक है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है और जिसके थ्रू आप ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या रेफरेंसेस है, पीयर रिव्यूड आर्टिकल, बुक, रिसर्च और इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद DOAG जो कि ऑनलाइन डायरेक्टरी है, जिसके थ्रू आप हाई क्वालिटी इंडेक्सिंग जर्नल, पीयर रिव्यूड ओपन एक्सेस जर्नल्स के लिए अलग अलग डिसिप्लिन की आर्टिकल्स, रेफरेंसेस ले सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू आप इस जगह पे कर सकते हैं। इसमें आपको फ्री एक्सेस और स्कॉलरली लिटरेचर का मिल सकता है। उसके बाद आरवी जो कि ओपन एक्सेस रिपोजिटरी है, जिसके थ्रू आप फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक इन सब्जेक्ट के ऊपर आप बहुत सारे आर्टिकल जो कि फ्रीली अवेलेबल कर सकते हैं, प्रीप्रिंट्स कर सकते हैं
आप इसको साइंटिफिकल कम्युनिटी के साथ शेयर भी कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कोलेबरेटिव ऐसा है टूल है। तो आप इस जगह पे जाके आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड जो कि फिजिक्स मैथमेटिक्स इकोनॉमिक रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आप इस जगह पे सर्च कर सकते हैं, उनका रिव्यू ले सकते हैं। SSRN नाम की जो वेबसाइट्स है इसके ऊपर आप जाके पब्लिश पेपर्स, वर्किंग पेपर्स, प्रीप्रिंट्स इन द फील्ड ऑफ लाइक जो कि लॉ, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी जो कि ह्यूमैनिटी रिलेटेड सब्जेक्ट है, लॉ, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, इन सब के बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू को आप ले सकते हैं इस जगह। बायोमेड जो है, जो कि बायोमेड सेंट्रल द ओपन एक्सेस पब्लिशर जो है जिसके थ्रू आप बायोलॉजी, मेडिकल और बायोमेडिकल रिसर्च रिलेटेड आप पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स, प्रमोटिंग नॉलेज डिसमिनेशन एंड साइंटिफिक डिस्कवरी आप इस जगह पे जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो बेस, जो कि bestresearch.net इस सर्च इंजन के थ्रू आपको आप बहुत सारे आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस पेपर्स एंड थीसिस और जो कि वेरियस सोर्सेस के थ्रू आप इस जगह पे जाके मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा ऐसा डाटाबेस है जिसके थ्रू आप 3 करोड़ के ऊपर डॉक्यूमेंट्स इस जगह पे आपको अवेलेबल मिल सकते हैं। वर्ल्ड कैट नाम का जो कि ग्लोबल कैटलॉग है जो कि लाइब्रेरी कलेक्शन का, जिसके थ्रू आप बुक्स, जर्नल्स, ऑडियो विजुअल्स मटेरियल्स एंड अदर सब्जेक्ट्स आपको इस जगह पे वर्ल्ड कैट के द्वारा मिल सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं। उसके बाद डाटा यूरोप ई थीसिस पोर्टल जो कि डार्ट जिसे कहा जाता है, जो कि डिजर्टेशन फ्रॉम यूरोपियन यूनिवर्सिटी के जितने भी डिजर्टेशन आपको इस जगह पे फ्रीली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन को कवर करता है, तो आप इस जगह पे जाके भी अपने सब्जेक्ट रिलेटेड रेफरेंसेस या लिटरेचर रिव्यू ले सकते हैं। ओटेड OATD जो कि ओपन एक्सेस थीसिस एंड डिजर्टेशन है, जिसके थ्रू आपको इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिजर्टेशन अवेलेबल हो सकते हैं जो कि अलग अलग डिसिप्लिन के इस जगह पे आपको एकेडमिक वर्क रिलेटेड जानकारी आपको इस जगह पे मिल सकती है। डिजिटल कॉमन्स जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रेस्का लिंकन्स जो कि डिजिटल कॉमन एट यूनिवर्सिटी के थ्रू आप आर्टिकल, थीसिस, डिजर्टेशन, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग एंड अदर स्कॉलरली पब्लिकेशंस जो कि फ्रीली अवेलेबल आपको इस जगह पे मिल सकते हैं। ETDOU लिंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और डिजर्टेशन सेंटर्स का एक रिपोजिटरी है जिसके थ्रू आप रिसर्च स्कॉलर्स, एकेडमिक कम्युनिटी जनरेट कर सकते हैं, स्कॉलरली कम्युनिकेशन इस जगह पे कर सकते हैं और बहुत सारे रिसर्च डिजर्टेशन जो है जो कि आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। का जो है वो जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से चलाया हुआ एक डिजिटल एक्सेस है जिसके थ्रू आप ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म है ये, और जिसके थ्रू आप फैकल्टी, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स के जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के उनके आर्टिकल, थीसिस, डिजर्टेशन, वर्किंग पेपर्स, प्रमोटिंग जो भी न्यू डिजिमिनेशन आए उन सबको आप इस जगह पे जाके आप मतलब लिटरेचर रिव्यू में अपने ले सकते हैं। अगर आपको इस सोर्सेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू अगर पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।